पर एक बड़ा सवालिया निशान आ रहा है सर। क्लियरेंस मिलती है वहां पे कुछ भी होने से पहले, बात होने से पहले, या बड़े बड़े आप बेहतर जानते हैं नहीं, वो क्लियरेंस जब इनसाइडर जॉब है, जी। जब एक आदमी जो कि पहले इस्लामाबाद में मुकीम था, बाद में वो कहीं जो है वो केपीके में किसी जगह गया, और फिर उसके बाद वो आज पंजाब के जुनूबी पंजाब में कहीं वो बैठे हुए हैं आजकल। उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो तैनातियां की थी उस वक्त, तो वो हर चीज मैनेज कर रहे होते थे ना, क्योंकि खान साहब ने बतौर वजीर आजम खुद तो चीजें कम देखी थी, वो डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा। और इस हवाले से बहुत से लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि खान साहब शुरू से ही उनके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, यानी इलेक्शन से पहले से, इलेक्शन के टाइम भी उनके पास वो उन्होंने जो है वो लोग शामिल करवाए थे। और जिस तरीके से खान साहब इक्तदार में आए 2018 में, जिस तरह पंजाब की गवर्नमेंट उनकी बनी, तो वो हर चीजें जो शख्स मैनेज करता था, उसी बंदे ने सिक्योरिटी भी मैनेज कर रहा था। तो उन्होंने अपनी जो है वो लोग वहां पर इंस्टॉल कर दिए थे, जिन्होंने उस टाइम पर जो है, बेसिकली क्या होता है, ये एक बग है जी सपोजिटली, मैं आपको बता रहा हूँ, जी एक जो टी सर्व करने वाला बंदा आ रहा है, वो जी आके वो बग किस जगह रख जाता है, और फिर जब वो सामान उठाते हैं, जब वो मुड़ चीजें रिमूव करनी है, तो वहां से वो वापस ले गया, तो ऑडियो तो वहां से आ गई ना आपकी, वीडियो तो कैमरे के लिए तो आपको प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, ऑडियो के लिए तो आजकल इतने अच्छे गैजेट्स आ चुके हैं कि दूसरे कमरे में भी अगर वो बग पड़ा हुआ है, तो यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी वहां पर जो है उसको कैच कर लेगा। तो इस किस्म की, यानी एक अगर बीच में कंक्रीट की वॉल है तब भी वो उसको कैच कर लेते हैं, वो ऐसा वो उनमें जो है वो जदीद किस्म का जो है वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो बात तो ये है कि इनसाइडर जॉब है, कोई इतला है कि दो तीन बंदे अरेस्ट भी हैं, एक नहीं है, एक से ज्यादा बंदे अरेस्ट हुए हैं, और हमारे तहकीकाती इदारे जो है वो पहुंच चुके हैं, और खोज हो चुकी है, और खुरा लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ जा रहा है, कहीं ये तो नहीं कि भाई वहीं पर जा रहा हो जहां पर वो जनूबी पंजाब में एक साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मैं उनका जिक्र किए बगैर जरा इस पे जरा तशरीह बताएगी कि तहकीकात में आप कह रहे हैं कि दो चार बंदे या एक बंदा पकड़ा है, कहा जा रहा है कि इसराइली सॉफ्टवेयर पिगास इस्तेमाल हुआ है, आपके पास क्या इतला है कि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलव्वस है या खाली जनूबी पंजाब वाले ही हैं? नहीं, इसमें जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, वो आपने बात सुनी है, बोल के लब आजाद हैं तेरे, जी एग्जैक्ट ऐसा ही है। जी जी हाँ, तो बस आपके लिए ये जो है ना वो थोड़े को बोता समझें और इस तार को मुफस्सिल खत समझें, वैसे इल्जाम लगाना बन जाएगा, लेकिन मेरी इत्तला तो यही है। अब आप मिला लें बीच में से, इसमें से जो दो लफ्ज हैं वो आप निकाल लें, पहला सर, वो बिल्कुल लफ्ज निकाल लें। ये चीजें चल रही हैं सर, बिल्कुल ये चीजें चल रही हैं। चले सर, आपकी बात को अगर ये तकवीयत मिलती है कि इमरान खान हमारा साहब एक टेलीविजन चैनल है जी पाकिस्तान का, चलिए आपको बात समझ नहीं, हमारे पाकिस्तान का एक टेलीविजन चैनल है, वो टेलीविजन चैनल जो है जिसके बैकअप के ऊपर, जिसकी बैक के ऊपर एक आईटी कंपनी है, वो आईटी कंपनी की ही वजह से उन्होंने चैनल बनाया है। उनका माजी में एक स्कैंडल भी आया था, माजी करीब में एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, वो कोई तालीमी असनाद वगैरह तकसीम करते थे मुख्तलिफ लोगों को, तो उनसे कोई इनकी जो है ना वो सुने शाखें मिल रही हैं साजिश की, जो पीएम ऑफिस बग हुआ है, जो मेरी इतला है। मजीद मैं खोल देता हूँ, बोल बोल न्यूज चैनल है, और उसके बाद जो उसके शेख साहब हैं वो हैं इसके पीछे सारा कुछ, वो बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन अब उनके पीछे कौन है फिर? कोई उनके तो पीछे भी होगा ना। गुरु इमरान खान साहब का, अच्छा गुरु मरियम ने तो उसे कोच इमरान कोच 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 वो नजम सेठी साहब गुरु कहते हैं, बल्कि उस दिन मैंने जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिस दिन उनकी बरियत हुई है, तो जी वो जब जा रही थी तो उन्होंने कहा कि हसन मैं कुछ चौथी क्लास में नहीं पढ़ती, तो हमें भी सब मालूमात हैं कि जो इमरान खान साहब के जो कोच हैं वो इसमें शामिल हैं, उन्होंने भी इजहार कर दिया था, और एक टेलीविजन चैनल, बल्कि उन्होंने दो टेलीविजन चैनल का नाम लिया था, तो एक तक तो मैं पहुंच गया हूँ, दूसरे का मुझे अब शुबा ही है, लेकिन उसका इजहार मैं नहीं कर सकता शुबे के ऊपर, खाली इजहार नहीं ये कर मरियम सकते। नवाज साहिबा के एग्जैक्ट अल्फाज हैं, मेरा नाम लेकर उन्होंने किया, जब उनकी टॉक है तो बिल्कुल एंड में देख लीजिएगा कि जी जी उन्होंने ये जी अल्फाज किए, हो सकता है किसी टेलीविजन चैनल ने रिकॉर्ड किए हों। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चले अच्छा, जरा ये बताएं फिर, जरा इसको भी खोलें कि अगर एंड ऑफ डे पे घुमा फिरा के सारे ताने बाने उधर मिल रहे हैं, तो अब तो फिर उनकी अपनी भी ऑडियोज आ रही हैं, मतलब अगर रिलीज करें तो फिर खाली हुकूमत की करते ना, तो इमरान खान साहब की भी हो रही है, तो वो कौन कर, इमरान खान साहब की कौन कर रहा है फिर? नहीं, ये तो वो लीक नहीं कर रहे जहां से मुस्लिम लीग नून की या गवर्नमेंट की रिलीज हो रही है, दो अलग जी अलग साइडें हैं भाईजन, जी ये दोनों अलग अलग साइडें हैं, ये एक साइड से दोनों चीजें रिलीज नहीं हो रही। हाँ, रिकॉर्ड जो है वो दोनों वहीं पर ही हुई है, जो यानी वेन्यू जो था वो सेम ही था, लेकिन वो पुरानी रिकॉर्ड हुई हुई जो चीजें हैं वो पुरानी हाथ में लगी हुई है, वो पुरानी किसी के हाथ में है और वहां से वो रिलीज कर रही है। इसके मैं बता रहा हूँ ना, चार पार्ट्स हैं,
जो साइफर कहानी है। इसके अलावा कोई वीडियोज भी हैं जो विजुलाइज स्टफ भी इनके पास मौजूद है। लेकिन बहरहाल देखें संदेला साहब, ये डर्टी गेम है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। शुरू की उन्होंने खान साहब ने, और उसके बाद जो है वो अब उनको जवाबी वार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। तो इससे हासिल क्या हो रहा है, यानी इसमें आप देखें ना कि क्या मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है इससे, क्या पाकिस्तान की जो पोलिटिकल जो इस टाइम अरीना है उसके अंदर कोई तरक्की कम हो रही है। इसमें तो हर चीज एक दूसरे को जो है ना वो गंदा किया जा रहा है। तो बात यह है कि गवर्नमेंट कम गंदी हो रही है, इमरान खान साहब बहुत गंदे हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को या उनके हमायतियों को एहसास नहीं है, या वो ढीठ बन चुके हैं बहुत ज्यादा, कि वो इस बात को कहते हैं कि हमने कौन सी गलत बात की है। भाई अल्लाह के बंदे, आप जिस चीज को साजिश कह रहे थे वो साजिश जो है वो थी नहीं, वो आपने खुद घड़ी थी, और फिर आपने पाकिस्तान के जो इस टाइम वर्ल्ड में सुपर पावर है उसके साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। आपको कॉन्सिक्वेंस का अंदाजा है कि आपकी पूरी जो फाइनेंशियल एड आती है, यानी 80% आपकी एड है या ट्रेड है, वो आपका वेस्ट के साथ है। तो फिर आपने उसको एट स्टेक डाल दिया अपनी सियासत के लिए, और आपने अपनी ईगो के अंदर जो है वो आते हुए कि जी क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से निकाला जा रहा है, लिहाजा ऐसी की तैसी इस मुल्क की, या ऐसी की तैसी इस मुल्क की आवाम की। भाई सफर किसने करना है? आज इमरान खान साहब हैं, आज शहबाज शरीफ साहब हैं, कल इन दोनों ने नहीं होना, नई जनरेशन ने आ जाना है, हमारे बच्चों ने आ जाना है। ठीक है, तो आप इस मुल्क को तरक्की की राह पर जो है ना वो डालें, ना कि आप इस मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। खान साहब ने ये नहीं सोचा, खान साहब जब जा रहे थे तो ऐसी उन्होंने माइंड बिछाई कि जिस पर उसने फ्यूल पर सब्सिडी दे दी, वो सब्सिडी के बाद आपने देखा कि मुल्क का क्या हालात हो गए। फिर आपको नाक से लकीरें निकलवाई, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जी कहा कि IMF ने नाक से हमारी लकीरें निकलवाई, और निकलवानी थी कि भाई जी आप वो कह रहे थे कि हम आपको जो है वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, उल्टा जो है आप 30 रुपए की सब्सिडी देंगे, जब रेट ऊपर चढ़ जा रहा था $100+ पर, जब क्रूड ऑयल चला गया फी बैरल, तो आप उसका जो रेट लेकर आ गया आप 30 रुपए कम कर दिया आपने, और आपने 3 महीने के लिए फिक्स कर दिया। तो फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना भाईजान। आप कोई यहाँ पर कोई हमारा मुल्क सऊदी अरब है, कोई कुवैत है, कोई वो इकोनॉमी है हमारी, भाई कर्जे पर चलने वाली इकोनॉमी वाला मुल्क है। आपने खुद इतना कर्जा जो है वो 70% पाकिस्तान के मुल्क के कर्जे बढ़ा दिए हैं, आपने उस मुल्क के ऊपर जो है इतना बोझ डाल के चले गए हैं। मैं तो देखो 2+2=4 वाला मैथ करके देख ले ना, एक छोटा स्कूल का बच्चा भी ये जुल्म नहीं करेगा अपने साथ, जैसी मैनेजमेंट जो है वो खान साहब करके गए हैं। तो उसके बाद जो है जो इन्फ्लेशन आनी थी, लेकिन वो तमाम का तमाम जो है वो खुद बरी जिम्मा हो गए जी, मैं तो बहुत अच्छा था और ये जालिम थे। भाई ये जालिम ना होते तो कल आपके मुल्क में पेट्रोल ही नहीं आना था, अगर ये जुल्म ना करते। मिफ्ता इस्माइल के साथ मेरा बड़ा इख्तलाफ था, लेकिन जो हकीकत है मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था ना चौधरी साहब। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, तो अब उसके बाद इनके जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने एलसीयां जो है वो बैंकों के साथ मिल मिलाकर जो है वहां से उन्होंने 10-10 रुपए ऊपर महंगी एलसी खोली, बैंकों ने अरबों रुपए बनाए, और अब डार साहब ने नोटिस लिए, अल्लाह करे कि इनसे कोई रिकवरीज भी करें। मेरे ख्याल से रिकवरी तो मुश्किल ही कर पाए जो है डार साहब, उन्होंने बस यही करना है कि आइंदा जो है ना इस अमल को रोकना है, उन्होंने स्टॉप करना है। तो ये सूरत हाल है। अंदर अंदर की खबर मैं देता हूं कि वो रिकवरियां बिल्कुल आएंगे, 50% वापस लेंगे, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। वो पूरा पक्का हाथ करके आए हैं, नहीं छोड़ेंगे वो, आप यकीन करें। हाँ डार साहब अल्लाह नहीं करे ऐसा छोड़ेंगे, हो जाए। ऐसा ही होगा। ये उनकी जो नीयत है, जो उनकी सलाह है, जो उनके मशवरे हैं, जो बातें हुई हैं, वो कुछ चीजों में हमें पता है कि वो छोड़ने वाले नहीं है। डबल टैक्स लग सकता है, एक इनकम के ऊपर टैक्स है वो लग सकता है, गवर्नमेंट आपकी नीचे जा रही है, मुल्क नीचे जा रहा है, आप लोग अमीर हुआ नहीं कभी की जगह पे, तो डार साहब नहीं छोड़ेंगे सर। अच्छा सर ये बताएं जरा, दूसरी तरफ आए जरा, ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो सुना राणा साहब के डर से ठुस कर गया, अभी इमरान खान साहब